नमस्कार, मैं नगेंद्र जम्वाल। आज जिस तरह से एक केस सामने आया है, फोर लेनिंग का काम तो हो रहा है जम्मू अखनूर रोड पे, लेकिन आपको बता दें कि एक समस्या ये बनती है कि वहाँ पे एक परिवार है, उनका ज़मीन आरा वो बीच में आता है। दिक्कत कोई नहीं है उनको कि फोर लेनिंग हो रही है, अच्छी बात है, जो डेवलपमेंट है, प्रोग्रेस है जो स्टेट की हो रही है, वो भी कहते हैं कि होनी भी चाहिए। लेकिन जब वो बीच में आया, जब सर्वे होता है, तो सरकार उनसे वादा करती है कि आपकी जो जगह बीच में आ रही है उसके बदले हम आपको जगह देंगे, क्योंकि वहाँ पर इनका छोटा सा बिजनेस जो है वो चलता है, टिम्बर का, टिम्बर वुड का है ना, तो वो इनका कहीं और शिफ्ट कर दिया जाएगा। इन्होंने भी बोला ठीक है, अच्छी बात है कि सरकार हमें यहाँ से उठा के कहीं और कर दे तो चलेगा। लेकिन समय बदलता है, जो उच्च अधिकारी था उस समय का वो बदलता है, तो दूसरा अधिकारी आता है। अब इनको बोला जाता है कि आपको ना कंपनसेशन मिला जाएगा और ना ही आपको ज़मीन के बदले ज़मीन दी जाएगी। कारण क्या है, क्यों ये लोग आरोप लगा रहे हैं मौजूदा प्रशासन पे, इन्हीं से जानकारी लेंगे और आपको बताते हैं। जी, आपका नाम? सर, मेरा नाम अशोक है जी, और मेरी फर्म हिमालय टिम्बर है। मेरे फादर साहब 85 ईयर ओल्ड हैं और मदर पैरालाइज है, 75 ईयर ओल्ड है। ठीक है, हम 15 मेंबर हैं घर के, हमारा रोज़गार वही है, हमारे पास और कोई रोज़गार नहीं है, नहीं हमारे घर में कोई फैमिली मेम्बर कोई गवर्नमेंट मुलाजिम है और ना ही कोई और कोई कारोबार है हमारा। हमारा टिम्बर बिजनेस है और हम टिम्बर बिजनेस ही करते हैं। अब मेरी 51 साल उम्र हो रही है, मेरे फादर साहब 85 साल के हैं। अब एक साल पहले रोड बाइंडिंग का काम आया, हमने भी बोला चल यार अच्छी देर, बड़ी देर की डिमांड थी, तो चलो अब पूरी हो गई है तो अच्छी बात है। तो मैं डे फर्स्ट डीसी साहब के पास गया, वो पहले डीसी साहब थे, तो उनके पास गया तो वो बोलते आप तो इसको उठा लो, अदरवाइज़ मैं इसको हटा दूँगा। मैंने कहा सर आप डॉक्यूमेंट तो देखोगे? हाँ डॉक्यूमेंट लाओ आप, मैं उन्हें एप्लीकेशन दे दो, डॉक्यूमेंट मैंने दे दिया। कहते ठीक है, उन्होंने क्या किया, उन्होंने बोला ठीक है देखते हैं, हम प्रोसेस कर रहे हैं, कोई ना कोई आपका हाल निकाल लेंगे। मैंने कहा अच्छी बात है। उसके बाद वो ट्रांसफ़र हो गए, नए डीसी साहब रमेश जी आ गए। ठीक है जी, मैं उनके पास भी, उन्होंने बोला ऐसे नहीं आओ मेरे पास, आप एक एप्लीकेशन ले आओ, वो एप्लीकेशन मेरे को दे दो। मैंने दे दी, मैंने उसका डॉक्यूमेंट लगाए दे दिए। फिर उन्होंने क्या किया, नीचे से तहसीलदार साहब ने बोला कि आप ऐसा करो कोई ज़मीन देखो। उन्होंने एक गर्दोबर और एक पटवारी की ड्यूटी लगाई कि कहीं इनके साथ जाओ और ज़मीन देखो। एक हमने पूरा दिन लगाया ज़मीन ढूंढी, मैंने कहा ऐसे ऐसे फलानी फलानी ये 4-5 जगह है, इनमें से हमें कोई भी एक दे दो, कोई दिक्कत नहीं, हम जाए पर शिफ्ट हो जाएंगे। और गवर्नमेंट आर्डर होना चाहिए, क्योंकि मेरा साहब मिला है उसका लाइसेंस ट्रांसफरेबल नहीं है, समाज की इंडस्ट्री है, इंडस्ट्री ट्रांसफ़र नहीं होती है, क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है कि लाइसेंस ट्रांसफ़र नहीं होगा। जैसे बाइन साहब का नहीं होता, वैसे इसका भी नहीं होता। ठीक है जी, गवर्नमेंट चाहे तो हो सकता है, क्योंकि गवर्नमेंट आर्डर करे तो सब कुछ होता है, क्योंकि उसका वजह दिखाई जाएगी भाई रोड बाइंडिंग में आ गया। अब मसला ये आ गया सर, एक साल मुझे पीछे घूमते हो गया, मैं एडवाइज़र साहब के भी पास गया, हालांकि मेरे पास हाई कोर्ट का स्टे भी है और हाई कोर्ट ने रिहैबिलिटेशन भी मेरा किया हुआ है कि इसको रिहैबिलिटेट करो इधर से। तो क्योंकि मैं खुद चाहता हूँ कि कोई बात नहीं, मेरा साहब मिला रहा है, कोई बात नहीं, नई जगह बसना बड़ा मुश्किल होता है, पर चलो कोई बात नहीं, हम चलेंगे, जैसे भी गुजारा होगा करेंगे। मगर आप एडमिनिस्ट्रेशन हमारे साथ बिल्कुल बेइंसाफी कर रही है। एडमिनिस्ट्रेशन बोलती है कि नहीं हम आपको कुछ देंगे, नई लैंड है हमारे पास और आप तो इलीगल हो। मैंने कहा सर अगर मैं इलीगल हूँ इसका मतलब आपका तो पूरा रेवेन्यू डिपार्टमेंट इलीगल हो गया, क्योंकि अगर रेवेन्यू डिपार्टमेंट मुझे आर्डर दे रहा है, मेरे से 3 लाख रुपये पर कनाल 1967 की वैल्यू डाली थी इन्होंने और मेरे से 2,25,000 रुपये 15 मरले का लिया था, जिसका इंतकाल भी मेरे पास है। ठीक है जी, और ये अगर बोलते हैं कि ये आपका इलीगल है, इसका मतलब है फिर पूरा तो डिपार्टमेंट इलीगल हो गया, क्योंकि आपका नजूल जो है गवर्नमेंट है ना, वो सारी लैंड का मालिक तो गवर्नमेंट नजूल ही है, तो रेवेन्यू नजूल डिपार्टमेंट ही मेरे को ज़मीन दे रहा है, तो वो अगर वो इलीगल है तो पूरा डिपार्टमेंट इलीगल है। कमिश्नर सेक्रेटरी ने ऊपर से मतलब मिनिस्टर ने अप्रूवल देकर तो वो भी नीचे भेजा फाइल, वो इलीगल है, मतलब सारे हमको इलीगल बोलते हैं। और खुद मैंने कहा सर आपने ज़मीन लेनी है, मेरी 15 मरले ज़मीन है, मेरे को इधर से शिफ्ट करो, मुझे आप ज़मीन दे दो, 6 घंटे का टाइम दे दो भाई, 6 घंटे का मैं 6 घंटे के अंदर ट्रांसफर इधर से उठा लूँगा, मगर ज़मीन मैं तभी छोड़ूंगा जब आप मुझे ज़मीन दोगे, अदरवाइज़ अगर आप मेरे से ज़बरदस्ती ज़मीन, क्योंकि कल पुलिस वाले भी आए थे, मैंने उनको स्टे बताया था,
वो कहते हैं भाई स्टे की हम नहीं देखते, हमने डीसी का आर्डर मानना है। अगर डीसी बोलेगा तो हम उठा के बाहर फेंकेंगे, अगर डीसी बोलेगा बैठने दो तो आपको बैठने देंगे, अदरवाइज हमारे पास कोई आर्डर नहीं है, नहीं हम आपका स्टे मानेंगे, नहीं आपका रिहेबिलिटेशन मानेंगे, नहीं आपके डॉक्यूमेंट मानेंगे। कह रहे थे ना बीबी व्यास जी ने भी कुछ, बीबी व्यास जी ने लिखा इनको कि भाई डीसी साहब आप मेरे पास, हाँ मेरे पास लिखा हुआ है, व्यास साहब का लिखा है, गणेश साहब ने भी बोला है इनको, उन्होंने शायद इनको कॉल भी किया हुआ है। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूँ, ये मेरा इंतकाल है, ये देखिए नजूल असिस्टेंट कमिश्नर नजूल ने साइन किए हैं और स्टैंप भी असिस्टेंट कमिश्नर नजूल किया है और इस पर पैसे भी लिखे हुए हैं। सवाल उठता है कि ये इसको भी वो इलीगल मान रहे हैं, आखिर दिया किसने, ये एक प्रश्न उठता है। और ये डॉक्यूमेंट इलीगल बोलते हैं सर, ये असिस्टेंट कमिश्नर नजूल के हैं और कल वो जो आए थे नायब साहब वो बोलते हैं ये इलीगल है, तो चलो ये इलीगल है मैं मान लेता हूँ, ठीक है जी। उसके बाद ये हाई कोर्ट का स्टे है, वो बोलते हैं इसको भी हम नहीं मानते हैं, ये हाई कोर्ट का स्टे है, स्टेटस को लिखा हुआ है। हो सकता है वो मानते हो कि हाई कोर्ट से हम ज़्यादा ऊपर, नहीं नेचुरली वो तो हाई कोर्ट से ऊपर ही है सर, वो नीचे नहीं है, क्योंकि वो बोलते हैं हम किसी को नहीं मानते क्योंकि ये हमें सेंटर का प्रेशर है। चलो सेंटर का प्रेशर है हम वो भी मानते हैं। अब ये रहा सर, ये है एडवाइज़र साहब, ये मैंने चिट्ठियाँ लिखी हुई हैं काफ़ी, ये देखो ACR को DC साहब ने मार किया हुआ है, मगर सिर्फ डिस्कशन लिखा है, किया कुछ नहीं है, ठीक है जी। ये लिखा है डिस्कशन, देख लीजिए सर, ये डिस्कशन लिखा हुआ है ACR को, कोई डिस्कशन नहीं हुआ चिट्ठी की, देख लीजिए डेट भी आप, ये 2018 की है, आज तक डिस्कशन कोई नहीं हुआ है, बिल्कुल ये देख सकते हैं आप। ये अब सवाल ये उठता है कि मेरे आप दाईं ओर देख सकते हैं, इनकी माता जी हैं, ये पैरालिटिक हैं, उम्र इनकी काफ़ी है, सीनियर सिटीजन है, 85 के करीब आपने 75 इनकी एज है, और आपको ये बता दें सीनियर सिटीजन है। माता जी तुम इतने किड़े साल आए हैं इस जगह, कदू खोलिया है इतने? ये मैं खोलेगा जी। तुसे खोलेगा? ये इनके फादर साहब हैं, इनकी एज जो है ये 85 है, इनसे बात करते हैं। कदू खोलिया? ये मैं वैसे जो 1958 खोलिया, लेकिन मेरे को पिछलियाँ रसीदा जड़िया गुम हो जाए, 1967 वाली रसीद है जब मैं कराया दिता है, ठीक है। वो मैं एक एजुकेशन ने लिखा कि अस 69 के अस कराया तो टैक्स वगैरह भी देते हैं, टैक्स वगैरह भी देते होंगे सारे, टैक्स भी गवर्नमेंट को टैक्स भी देते हैं, हाँ सेल टैक्स, हाँ सेल टैक्स, इनकम टैक्स। तब नहीं उनको याद आया कि ये इलीगल है? तब भी नहीं इनको याद नहीं आया कि इलीगल है, इनकम टैक्स भी देते हैं, सेल टैक्स भी देते हैं, म्यूनसिपल्टी वाले भी लेते थे किराया। रहने वाले यहीं के? हम जम्मू J&K के, मेरे दादा बाबा भी उनके जो सर्टिफिकेट हैं, हाँ वो भी मैं पेश कर सकता हूँ, मैं अपने बाप का भी कर सकता हूँ, दादा का भी कर सकता हूँ। सवाल ये उठता है कि उन उच्च अधिकारियों से कि आखिर क्या वजह है कि आप इन सीनियर सिटीजन्स को कि बाहर निकाल रहे हैं, बाहर का रास्ता दिखा रहे हैं, एक तरफ एम्प्लॉयमेंट के लिए आप बोलते हैं कि आप खुद का बिज़नेस करें, हम आपकी हेल्प करेंगे, जिसका बिज़नेस चल रहा है उसका बिज़नेस आप तबाह कर रहे हैं, और जो एलिगेशन जिस तरह से ये लोग लगा रहे हैं कि जो इनका ज़मीन है उसको आप इलीगल बता रहे हैं, जबकि इनके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स हैं, आप ही लोगों के लिखित डॉक्यूमेंट्स इनको दिए हुए हैं, हाई कोर्ट कोई ऑर्डर करता है आप लोग मानते नहीं, कोर्ट से भी ऊपर आप बन जाते हैं। अब सवाल उठता है गवर्नर महोदय सत्यपाल मलिक जी से कि किस तरह के ये कंसर्न्ड डिपार्टमेंट में आप लोगों ने ये उच्च अधिकारी लगाए हैं जो AC की हवा तो लेते हैं लेकिन उनको ये समझ नहीं आता कि जो ये रिटर्न डॉक्यूमेंट्स हैं इनकी भी कोई वैल्यू होती है, अगर ये हैं तभी पता चलता है कि ये लीगल चीज़ है या इलीगल चीज़ है, अगर ये नहीं होते तो ये कैसे धर की ठोकरें खाने पे मजबूर कर रहे हैं। और सवाल ये भी उठता है कि आखिर क्यों ये लोग अपना जो कारोबार है वहाँ से हटाकर कहीं और जाएं, और ये खुद से क्यों जाएं, आपकी ड्यूटी बनती है जिस तरह से, अगर आपको लगता है कि इनका जो वो बिज़नेस है, बिज़नेस यूनिट है, वो आपके उस प्रोजेक्ट में आ रहा है उसको हटाना है तो जाहिर सी बात है कंपनसेशन देना आपने, ज़मीन के बदले ज़मीन दे दीजिए जिस तरह से आपने पहले वादा किया लेकिन आपने दिया नहीं। जी सर, ये DC साहब ने लिखा है, ये ब्यास साहब ने लिखा है DC साहब को कि कोर्ट आर्डर को मानिए, ये कहते हैं हम किसी को नहीं मानते हैं, ये शायद मुझे नहीं पता कि ये BBC साहब ने लिखा है कि कोर्ट आर्डर को जो है जो इनका रिहेबिलेशन लिखा है इसके ऊपर काम करो, तो ये उसके ऊपर भी कोई काम नहीं करे, इन्होंने ये डस्टबिन पता नहीं सर आपको मतलब मुझसे ही शायद कोई एलर्जी होगी सर, मैं नहीं कह सकता
क्योंकि शायद जहाँ जो ये पसंद नहीं करते, मेरी फेस पसंद नहीं है इनको, क्योंकि ये हमें भूखा मारने के चक्कर में, हम 15 बंदे फैमिली मेंबर हैं। मेरा नाम सर अशोक है, तो अब 51 ईयर मेरी एज हो गई है, फादर साहब 85 के हो गए हैं, मदर पैरालाइज है। हम मैंने अपने बच्चे, मेरे बच्चे शिमला में पढ़ते थे, अब मैंने उठा के, क्योंकि एक साल से कोई काम नहीं है, पैसे भी नहीं है, तो मजबूरन मुझे बच्चों को अब रणबीर हाई सेकेंडरी में दाखिल कराना, क्योंकि वहाँ फीस तो नहीं लगेगी, कम से कम बच्चे पढ़ लेंगे, जैसे भी पढ़ेंगे आप पढ़ लेंगे। कल नायब तहसीलदार साहब आए थे, तो मेरे बच्चे, उन्होंने देखा होगा पापा परेशान है, तो वो आरे पर आ गए मेरे पास, कहते पापा क्या बात है। मैंने कहा कुछ नहीं यार, ये तोड़ फोड़ करने आए हुए हैं, तो साथ में पुलिस वाले थे, एक चौकी अफसर था, एक शायद और बंदा था, तो नायब तहसीलदार कहता आपने गुंडे बुलाए हैं ये, उन्होंने मेरे 15 साल का और 16 साल का बेटा है, कहता आपने गुंडे बुलाए हैं। मैंने कहा सर ये मेरा बड़ा बेटा है, ये मेरा छोटा बेटा है, आप इनको गुंडे बोल रहे हैं। वो मतलब इस तरह की इतनी मतलब मन खराब हो रहा है, वो बोलता पापा हम क्या करेंगे। मैंने कहा भाई आप भी गुंडे बन जाना, और क्या करना है, ये गुंडे बोल ही रहे हैं तो आप भी बन जाना गुंडे, और क्या करना है। जिस तरह से दर्द दिन का झलक रहा है, इनके बच्चों को आप लोग जो आरोप लगा रहे हैं कि वो लोग क्रिमिनल हैं, गुंडे हैं, अब सवाल ये उठता है कि ये जिस तरह से आरोप लगा रहे हैं, इन्वेस्टिगेशन जो है वो होनी चाहिए, और प्रॉपर तरीके से इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो, और साथ में जो उच्च अधिकारी बैठे हैं उनको भी समझना चाहिए कि बुज़ुर्ग लोग हैं, कहाँ जाएंगे, और अगर आप इनका खाना पीना की जो रोज़ी रोटी है वो ही छीन लेंगे। अब इस उम्र में जिस तरह ये बता रहे हैं कि ये 50+ हैं, ये अब कौन सा बिज़नेस स्टार्ट करेंगे, ज़मीन कहाँ से लाएंगे, ज़मीन के बदले ज़मीन जिस तरह से पहले वादा किया आपने, और रूल भी यही है, रूल भी यही है। अब JDA बना रहा है, 20,000 रुपये पर मंथ लगाया हुआ है, ये बस स्टैंड में बन रहा है ना सर, तो 20,000 रुपये पर मंथ हर दुकान को दे रहे हैं ये, तो मेरे को तो एक साल हो गया, मुझे तो 10 रुपये भी नहीं दिए इन्होंने। नहीं मैं तभी, मुझे पैसे की भी ज़रूरत नहीं है, मैं अपनी मेहनत से खाऊंगा, मुझे गवर्नमेंट का सरकारी पैसा नहीं चाहिए, मैं अपनी मेहनत से खाऊंगा, कोई बात नहीं, मगर मुझे ज़मीन चाहिए जिस भी हालत में। अगर मेरे से ज़बरदस्ती लेने की कोशिश की, हम 15 बंदे फैमिली के हैं, हम जहर खा के मर जाएंगे उसी जगह में, उससे पहले हम नहीं उठेंगे, हमारी जान चली जाएगी तभी जमीन छोड़ेंगे। लेकिन ऐसे नहीं, गवर्नमेंट हमें जमीन दे दे, मैं आपको पहले बोलूंगा ऐसे नहीं, क्योंकि हम परेशान हो चुके हैं। जिस तरह से आप लड़ाई लड़ रहे हैं, आपकी लड़ाई जो है वो नहीं, ये सर बोल रहे हैं हम रात को हम पुलिस लाएंगे, सीआरपी लाएंगे, उठा लेंगे, सुनेंगे, ऐसी बात नहीं है, लेकिन ऐसे गलत चीज नहीं करनी चाहिए। लेकिन अब सवाल उठता है गवर्नर महोदय सत्यपाल मलिक जी से कि आखिर क्यों 15 मेंबर्स हैं एक फैमिली के, बुजुर्ग हैं उनमें, और क्यों इनके साथ स्टेप मदरली यानी कि स्टेली माँ वाला व्यवहार किया जा रहा है। बांग्लादेशी तो है नहीं ये लोग, म्यांमार तो ये लोग हैं नहीं, क्यों आखिर, वो तो आपसे निकलते नहीं जो इधर आके इल्लीगल तरीके से बस चुके हैं, जो यहाँ के शहरवासी हैं इनको क्यों यहाँ से उखाड़ा जा रहा है। अगर उखाड़ना ही है, ये भी कह रहे हैं कि अच्छी बात है, प्रोग्रेस हो रही है, डेवलपमेंट हो रही है, ये भी वेलकम कर रहे हैं, लेकिन जिस तरह से रूल के हिसाब से अगर इनका बिज़नेस यहाँ से उठा के कहीं और शिफ्ट करना है, वो कह रहे हैं कर दीजिए, लेकिन जगह तो दीजिए, वो तो आप ही लोगों ने देनी है, इन्होंने खुद से तो पैदा करनी नहीं। सवाल यही उठता है कि आखिर क्यों इन लोगों को परेशान किया जा रहा है, और वो अधिकारी जो इनके पास आके बरा भुला कह रहा है, जिस तरह से इन्होंने कहा इनके बच्चों पे भी एलिगेशन लगाए जा रहे हैं, आखिर क्यों, और इनको जिस तरह से वार्निंग दी जा रही है कि हम रात को आएंगे, आपका जो बिज़नेस हब है, यूनिट है, उसको तोड़ फोड़ करके निकल जाएंगे। ये सवाल उठता है कि आखिर ये किस पे विश्वास करें। इसी प्रश्न के साथ मुझे यानी नगेंद्र जोबाल को कैमरामैन अमित सिंह सात संघ के साथ इस समय दीजिए इजाज़त, शुक्रिया।